रतलाम में आज एक बार फिर चलेगा नगर निगम का बुलडोजर। सागर हादसे के बाद नगर निगम का प्रशासन अब जाग गया। दरअसल 5 जर्जर मकानों को कल बीते रोज ध्वस्त किया गया और 60 से ज्यादा जर्जर इमारत शहर में मौजूद हैं जो किसी भी वक्त हादसे का कारण बन सकती हैं। अब ऐसे भवनों को चिन्हित किया जा रहा है, उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है, डिमोलिश किया जा रहा है और तस्वीरें जो सामने आई हैं वो इस बात की तस्दीक कर रही है। दरअसल अब बीते रोज जो 5 जर्जर भवनों को गिराया गया उसके बाद अब आज भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। सुधीर हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। सुधीर, जिस तरह से प्रशासन अब दुर्घटना के बाद जागा है, अगर ये वक्त से जाग जाते तो शायद इस तरह की दुर्घटना ना होती। आज क्या कुछ होना है? देखिए, सागर हादसे के बाद रतलाम जिला प्रशासन या यूं कहे कि रतलाम नगर निगम भी जागा है और कल 5 जो जर्जर मकान थे उनको जमींदोज किया है। 80 से ज्यादा ऐसे मकान है रतलाम शहर में जिन्हें जो है चिन्हित किया गया है उनको। हालांकि सभी मकानों को जमींदोज करना रतलाम नगर निगम के बूते की बात भी नहीं, क्योंकि बहुत सारे मकानों में मकान मालिक और किराएदार के विवाद भी है जो कि हाईकोर्ट तक के लंबी थे। इसकी वजह से रतलाम नगर निगम हमेशा ऐसी कार्रवाई से बचता रहा है। लेकिन सागर में जैसे ही बड़ा हादसा हुआ उसके बाद कल तत्काल रतलाम नगर निगम का बुलडोजर सड़क पर नजर आया और 5 जो ऐसे मकान थे जर्जर उसे जमींदोज किया है। कुछ बहुत से ऐसे मकान थे जो जर्जर हो चुके, उनके कई ज्यादा जो गिरने की स्थिति थे उनको भी गिराया यहां पे गया है। और आज करीब 80 से ज्यादा मकानों को रतलाम नगर निगम देखेगा कि किन मकानों में सीधे सीधे कार्रवाई की जा सकती है, कानूनी दावपेच नहीं है उन मकानों पर आज बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। सुबह 11 बजे रतलाम नगर निगम का रिमूवल अमला निकलेगा और अब देखना है कि आज कितने मकानों को यहां पे तोड़ा जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए सुधीर। और खंडवा में डायरिया के चलते एक शख्स की मौत हो गई। 27 मरीज उल्टी दस्त का शिकार हो गए हैं और स्वास्थ्य विभाग ने लोगों की जांच की। दरअसल 6 सैंपल्स लिए गए और गांव में कुएं के आसपास गंदगी पाई गई है और कुएं का पानी पी लेने की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। और खालवा क्षेत्र के 12 कुंडा गांव का यह पूरा मामला है। जिले में डायरिया के कहर से एक युवक की मौत का मामला सामने आया है, तो वहीं कुछ अन्य मरीजों को भी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। पूरा मामला क्या कुछ है हम जानेंगे जिला महामारी अधिकारी डॉक्टर योगेश शर्मा से। सर, किस तरह का मामला है, क्या कुछ जानकारी है? जी, ग्राम 12 कुंड विकासखंड खालवा जिला खंडवा अंतर्गत एक उल्टी दस्त की सूचना प्राप्त हुई थी गाँव से। एक व्यक्ति हैं अशोक पिता शंकर, 25 साल के लगभग उनकी उम्र है, ग्राम बीचपुरी विकासखंड सिराली जिला हरदा के निवासी हैं, जो कि अपने ससुराल आए हुए थे 12 कुंड में। उन्हें पूर्व से भी किसी बीमारी का इलाज चल रहा था। रात में 1 बजे के करीब उनको उल्टी दस्त की शुरुआत हुई और सुबह 8 बजे उनको PSC रोशनी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर संतोष मोरे द्वारा उनको देखकर बताया गया कि ये इनकी मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद सूचना प्राप्त होने पर जिले से टीम लेके मैं ग्राम 12 कुंड में पहुंचा। खालवा के CBMO डॉक्टर अरुण सिंह भी ब्लॉक की टीम लेकर वहां पहुंच चुके थे और जितने भी ग्रामीण थे उनकी सबकी वहां पे जांच की गई और उपचार प्रदान किया गया। महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं इस बीमारी में? जी, 9 महिलाएं और 5 वर्ष से कम उम्र के 6 बच्चे इन 27 लोगों में शामिल हैं जिन्हें उल्टी दस्त की शिकायत हुई है। वजह क्या था हमने? जी, गांव में वैसे तो नल जल योजना जो बोरिंग का पानी है उसकी सप्लाई होती है, लेकिन कुछ ग्रामीणों के द्वारा एक कुआ है जो कि गंदा था और नीचे बना हुआ है, आसपास वहां पे बायो कंपोस्ट खाद के भी स्थान थे। लोगों के द्वारा वहां से अपनी पर्सनल पाइपलाइन डालकर और घरों तक पानी की सप्लाई हो रही थी, जिन लोगों ने बड़ा मोहल्ला और ऊपर आवार जो 2 एरिया हैं जो कि इस दूषित कुएं के जल का सेवन कर रहे थे, केवल उन्हीं लोगों में उल्टी दस्त की शिकायत पाई गई है। और इस मौसम जनित बीमारियों से बचाव के लिए जो उपाय हैं वो जरूर करें। अमित जायसवाल, न्यूज 18 खंडवा। और अमित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस गंदगी का, इस गंदे पानी का आखिर क्या हल निकाला गया और बीमार लोगों के लिए क्या कुछ मदद पहुंचाई जा रही है। जी अमित। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि खंडवा जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर बैतूल आशापुर मार्ग पर ये जो गांव है 12 कुंड, यहां पर इस तरह का मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हुआ।
जो डॉक्टर से हमने बात की उन्होंने बताया कि किस तरह से जांच की गई है पूरा मामला सामने आने के बाद और सैंपल भी लिए गए हैं। इस पूरे मामले में ये बात सामने आई कि गांव में दो तरह से पानी लोग ले रहे थे, एक तो जो नल जल योजना है उसके माध्यम से घर घर पानी पहुंचता है लेकिन वो कई बार समय पर नहीं पहुंच पाता है, तो लोगों ने जो वहां कुआं है उससे भी पानी लेना शुरू कर दिया और उस कुएं के आसपास गंदगी है और यहां बैकवाटर का पानी भी आता है, तो कहीं ना कहीं ये जो पानी जो है दूषित हुआ और इसकी वजह से लोगों में ये इस तरह की उल्टी दस्त और अन्य जो समस्याएं हैं वो हुई। अब जो कुआं है वहां से पानी न ले सके लोग, इसलिए उसे जो है वहां से मोटर हटा दी गई है और लोगों को भी समझाइश दी गई है कि पानी साफ और स्वच्छ पिए और अगर थोड़ी सी भी गंदगी लग रही है ऐसा लग रहा है कि पानी ठीक नहीं आ रहा है तो उबाल कर पिए। और टीम को 8 दिनों के लिए अब इस गांव में लगा दिया गया है और लगातार जांच पड़ताल की जाएगी ताकि लोग सुरक्षित रहें और ये जो मौसम जनित बीमारी है ये आगे न बढ़े, क्योंकि एक व्यक्ति की मौत हो गई है और मामला गंभीर है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए अमित। और अभी तक इस पूरे घटना को लेकर जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि आखिर गंदे पानी की स्थिति अभी भी इस तरह क्यों बनी हुई है और इस गंदे पानी की आखिर क्या व्यवस्था की जाएगी जिससे कि प्रशासन इस पूरे मामले पर नजर बनाए और आम लोगों तक साफ पीने का पानी पहुंच सके और बीमार लोगों की मदद के लिए यहां पर प्रशासन स्वास्थ्य अमला तो अपनी कार्रवाई कर ही रहा है लेकिन निजी स्तर पर हर किसी को अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है और अभी जो स्थिति बन रही है उससे निजात पाने के लिए, क्योंकि अमूमन बरसात के समय में इस तरह की घटनाएं होती हैं और इस तरह की समस्या एक बड़ा विकराल रूप धारण करती है। बहुत शुक्रिया अमित आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और भोपाल में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बंगले पर बीजेपी कांग्रेस का संयुक्त प्रदर्शन। दरअसल पृथ्वीपुर नगर परिषद के 13 पार्षद यहां पहुंचे हैं और भोपाल नगर परिषद सीएमओ के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। भ्रष्टाचार की जांच की मांग यहां की जा रही है और ये अपने तरह का एक पहला मामला जिसमें बीजेपी और कांग्रेस संयुक्त रूप से प्रदर्शन कर रहे हैं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बंगले पर। पृथ्वीपुर नगर परिषद के 13 पार्षद पहुंचे हैं भोपाल और नगर परिषद सीएमओ के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। भ्रष्टाचार का आरोप है और इस भ्रष्टाचार की जांच की मांग की जा रही है। भोपाल से मिल रही जानकारी जहां नगर परिषद पृथ्वीपुर के 13 पार्षद यहां पहुंचे हुए हैं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बंगले पर प्रदर्शन हो रहा है और अब देखना होगा कि क्या कोई बीच बचाव का रास्ता और जिस तरह की मांग की जा रही है इस मांग को पूरा करने के लिए क्या प्रयास किया जाता है। अभी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बंगले पर प्रदर्शन किया जा रहा है और 13 पार्षद करीब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं प्रदर्शन करने के लिए, जो कि पृथ्वीपुर नगर परिषद के पार्षद हैं और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के पास अब वो मदद की गुहार लेकर पहुंचे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। वासु चौरे से बात करेंगे, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वासु, ये अपनी तरह का पहला मामला लग रहा है जिसमें बीजेपी और कांग्रेस संयुक्त रूप से प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर क्या है इसके पीछे की कहानी? बिल्कुल, देखिए ये प्रदर्शन अपने आप में इसी वजह से अनोखा हो जाता है क्योंकि हमेशा एक दूसरे के खिलाफ रहने वाले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के जो नेता हैं, जो पार्षद हैं, वो अब एक साथ नजर आ रहे हैं और एक साथ एक मांग को लेकर 400 किलोमीटर का सफर करके भोपाल पहुंचे हैं। पृथ्वीपुर से ये तमाम जो पार्षद हैं वो यहां पर आए हुए हैं, कैलाश विजयवर्गीय के बंगले के सामने इस वक्त मौजूद हैं और इनका ये आरोप है कि हमारे शहर में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार चल रहा है और जिसके चलते विकास के जो काम है वो प्रभावित हो रहे हैं, शासन प्रशासन की योजनाओं का जो लाभ है वो नहीं मिल पा रहा है। क्या आरोप है आप लोगों का, क्या मांग है? नगर परिषद पृथ्वीपुर में एक वर्ष में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है जिसके खिलाफ हम लोगों ने नगर परिषद में की नगर पालिका अधिनियम की धारा 89 के तहत हमने इनके ऊपर कार्रवाई प्रस्तावित की है। किस पर? मुख्य नगर पालिका अधिकारी पर कार्रवाई प्रस्तावित की है कि इनकी सेवा समाप्त की जाए, क्योंकि इनके ऊपर करोड़ों का भ्रष्टाचार इनके द्वारा नगर पालिका में किया गया है और जिला प्रशासन हमारा मौन है। इस वजह से हमें अपने मुखिया के पास अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर 400 किलोमीटर बाइक चलाकर आना पड़ा है। दोनों ही दलों के पार्षद है, बीजेपी भी कांग्रेस, दोनों की यही मांग है? दोनों नगर विकास में दोनों साथ हैं, नगर विकास में हम लोग दोनों साथ हैं। कोई भी कार्य निर्माण कार्य नहीं हो रहा है, वहाँ पर केवल खरीदी की जा रही है, निर्माण कार्य नहीं हो रहा जिससे हम बाढ़ में नहीं जा पा रहे हैं। जहाँ पर नाली टूटी है, नाली का कोई आवेदन देते हैं तो उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं, केवल खरीदी का काम करते हैं और ना पानी दे पा रहा है, ना प्रकाश की व्यवस्था कर पा रहा है और ना सफाई की व्यवस्था कर पा रहा है।
इसलिए गरीब जनता का टैक्स का पैसा है उसकी न्याय के लिए हम माननीय मंत्री जी नोहाए कलेक्टर महोदय को भी दे चुके हैं, मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित थे नगर प्रतिपुर, तो विकास के काम भी नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि पैसा भ्रष्टाचार में चला जाता है क्या? जी जी बिल्कुल, जो मूलभूत सुविधाएं हैं मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा मूलभूत सुविधाओं से आम नागरिक को वंचित किया है पूरे नगर में। तो देखिए ये तमाम जो पार्षद हैं वो पहुंचे हुए हैं कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात करेंगे और मांग करेंगे कि ऐसे जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो ताकि जो जनता का पैसा है वो जनता की भलाई के काम में आ सके। जी बहुत शुक्रिया वासु आपका इस पूरे मामले पर जानकारी साझा करने के लिए। और मुरैना में स्कूटी सवार एक शख्स की पिटाई का मामला सामने आया जहां 4 से 5 लोगों ने इस शख्स को पीट डाला और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर तस्वीर भी सामने आई, वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे और इस पूरे मामले